हाय गाइस, जय हनुमान। मेरे कमेंट्स में, मेरे कॉल्स पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मैसेज पे इतने सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है, या मैं जब लाइव स्ट्रीम लेता हूँ, लाइव सेशन लेता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मुझे कम्युनिकेशन करके इतने सारे मैसेज करते हैं कि सर आप जब एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के बाद जब रिजल्ट्स आता है, रिजल्ट्स के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस चालू होता है, तो आप सारे हिंदुस्तान के बच्चों को या इंडिया के सारे बच्चों को इतने सारे वीडियोस बना करके, इतनी सारे नॉलेज दे करके कंपटीशन को बढ़ा देते हैं और सारे के सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है कि बच्चों को कंपटीशन बढ़ने के कारण कॉलेजेस और ब्रांचेस उनको जो मिलनी होती है वो पीछे की रैंक होने के बाद भी बच्चों को अच्छी रैंक्स वाले को मिल जाती है, क्योंकि बहुत सी बार बच्चों के पास नॉलेज नहीं होती, बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन आप हर बच्चों को गाइड करके कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। इतना सारा ये मेरे पास लगातार बच्चों के मैसेज बहुत सारे आते हैं, तो मैं उन सारे बच्चों को आज जवाब देना चाहता हूं जो लिखते हैं कि आप इतना कंपटीशन बढ़ा देते हो काउंसलिंग के टाइम में गाइड करके। आपने जैक काउंसलिंग में कंपटीशन बढ़ा दिया, आपने सीएसबी काउंसलिंग जॉब होने वाली उसमें आप पहले से इतने सारे वीडियो बनाकर कंपटीशन बढ़ा दिया, आपने जोसा काउंसलिंग में कंपटीशन बढ़ा दिया, आप जितने भी प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उनकी कट ऑफ में गाइड करके वीडियो डाल डाल के कंपटीशन बढ़ाते हैं। तो मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूं जो ऐसा कमेंट मुझे लिख रहे हैं या मुझे बार बार बात कह रहे हैं, मैं सारे बच्चों को कहना चाहता हूं कि यार हमारा काम बच्चों को नॉलेज देना है, उन सारे बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, चैनल पे हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से हेल्प दे रहे हैं। और एक्चुअल बेसिस पे देखा जाए तो अगर इंडिया के बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है और प्रॉपर गाइडेंस मिलने के बाद अगर बच्चे की रैंक और रिजल्ट है तो उसको इंडिया में जो वो बेस्ट डिजर्व करता है अपने करियर के हिसाब से कॉलेज और ब्रांच का ऑप्शन उसके रैंक पे उसको मिलना ही चाहिए। हमारे इस चैनल का केवल एक ही टारगेट है कि हिंदुस्तान के सारे बच्चों को बेस्ट गाइडेंस मिले, बेस्ट काउंसलिंग उनकी हो, उनके हिसाब से, उनके हाथ से, उनकी रैंक आने के बाद, उनके रिजल्ट आने के बाद उनका कॉलेज का कोई ऑप्शन उनसे मिस ना हो जाए। ये इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं, जिसको हम ऑनेस्टली एफर्ट्स लगाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के वीडियोस नहीं बनाएंगे, बच्चों को गाइड नहीं करेंगे, बच्चों को प्रॉपर हमें गाइड करना है। तो वो बच्चे जो मुझे कमेंट लिखते हैं कि आप कंपटीशन काउंसलिंग के टाइम में बहुत ज्यादा गाइडेंस दे करके सबको बैठा देते हो, सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो यही कहना चाहूंगा कंपटीशन अगर बढ़ता है तो बढ़ जाए, लेकिन उन बच्चों को जिनको उनके रिजल्ट्स आई हैं, जो उनके रैंक्स आई हैं, उनके पास उस काउंसलिंग में बैठने के लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारा इस चैनल के बेसिस पर केवल मोटो यही है, वो हम करते रहेंगे। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपका कंपटीशन हमारे चैनल की नॉलेज से बढ़ रहा है, उससे आप ऐसे परेशान मत होइए। मैं सब बच्चों को लास्ट में यही कहूंगा कि जो जिसकी जो रैंक्स हैं, उस रैंक पे अगर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो वैसे भी पार्टिसिपेट करेगा, और अगर उसकी रैंक्स पीछे है और पीछे रैंक पे उसको कॉलेज और ब्रांच नहीं मिलेगी तो वो कॉम्पिटिशन कितना भी बढ़ जाए, लेकिन अगर उसको नहीं मिलनी है और उसकी रैंक पीछे है तो उसको नहीं मिलेगी। तो मैं सारे बच्चों को फिर लास्ट में ये कहूंगा, अगर इस चैनल से काउंसलिंग में कंपटीशन बढ़ रहा है उससे आप इतना परेशान मत होइए, लेकिन जिनकी रैंक्स हैं, जिनके रिजल्ट्स हैं, जिनके पर्टिकुलर उस रैंक पे उनको इंडिया में बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज का ऑप्शन मिल सकता था, भले उनकी रैंक पीछे हो, लेकिन वो काउंसलिंग उससे मिस ना हो, वो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। इस चैनल के पीछे हमारा केवल यही मोटो है, यही टारगेट है कि बच्चों को बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट एडवाइस मिले। तो आप इसको पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होकर के इस चीज को एक्सेप्ट करिए। अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो अच्छा है, लेकिन जिस बच्चे के बेस्ट डिजर्विंग ऑप्शन उसके रैंक पे उसको मिल सकता है वो उससे मिस ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और इसी में हम लगातार लगे हुए हैं। तो गाइस, आप भी मेहनत करते रहिए, कंपटीशन अगर बढ़ रहा है तो काउंसलिंग में आप भी पार्टिसिपेट करें, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। फिर रिमाइंडर दे रहा हूं, सीएसईबी काउंसलिंग में सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि किसी को कोई नुकसान नहीं है। आपकी जोसा काउंसलिंग मिली हुई सीट अगर कुछ नहीं मिलता सीएसईबी में, आपको वापस मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।